तो देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत लगातार गंभीर बनी है। वो दिल्ली स्थित सेना के अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल ने बुधवार को उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया। इसमें जानकारी दी गई कि प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर है, वेंटिलेटर पर उनका इलाज चल रहा है। भारत रत्न और भारत के पूर्व राष्ट्रपति की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे, जहां उनकी ब्रेन सर्जरी भी हुई। वो दिल्ली स्थित सेना के अस्पताल में फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं। बुधवार को उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया कि प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर है। पूर्व राष्ट्रपति ने सोमवार को ट्वीट कर बताया था कि वो कोविड-19 की जांच में संक्रमित पाए गए हैं और पिछले सप्ताह संपर्क में आने वाले लोगों से अपील की थी कि खुद आइसोलेट हो जाएं और कोविड-19 की जांच कराएं। पूर्व राष्ट्रपति की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट कर संदेश साझा किया। उन्होंने कहा कि पिछले साल 8 अगस्त को मेरे लिए सबसे खुशी का दिन था। उस दिन मेरे पिता को भारत रत्न मिला था। ठीक एक साल बाद 10 अगस्त को वो गंभीर रूप से बीमार हैं। भगवान करे कि सब कुछ पहले जैसा हो। जीवन के सुख और दुख सहने की भगवान हमें शक्ति दे। साथ ही शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सभी शुभचिंतकों का धन्यवाद भी अदा किया। खून का थक्का बनने के कारण सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति के मस्तिष्क की सर्जरी हुई थी। इसके बाद से ही उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वो 10 अगस्त को गंभीर स्थिति में 12:07 पर दिल्ली छावनी स्थित सेना के R&R अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। एक्सपर्ट्स की टीम पूर्व राष्ट्रपति के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रही है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।